पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा आज अम्बाला पहुंचे, जहां कार्यकर्ताओं ने पूर्व केंद्रीय मंत्री का स्वागत किया। अम्बाला पहुंचे विनोद शर्मा कार्यकर्ताओं से रूबरू हुए। इसके बाद पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा 23 दिन से हड़ताल पर चल रहे हैं। सराफ एसोसिएशन से मिलने भी पहुंचे, जहां उन्होंने उनकी मांगों का समर्थन किया। 23 दिन से सराफ एसोसिएशन धरने पर है, लेकिन सरकार के कानों पर अभी तक जूं तक नहीं रेंगी। विनोद शर्मा ने कहा कि वो जानते हैं सराफा काफी दिन से हड़ताल पर है, लेकिन उनकी मांग पर ध्यान नहीं दिया जा रहा। आप ही जानते हैं कि जो टैक्स एक्साइज लगी है, इससे किसी का भला होने वाला नहीं, ना सरकार का ना आपका। एक किस्म से सरकार ने आपके व्यापार के ऊपर ऐसा जाल बनाने की कोशिश की है, जिसके जरिए कोई भी व्यक्ति आके आपसे आपको तंग कर सकता है। सबसे बड़ी बात तो ये है, ईमानदार से ईमानदार व्यक्ति को भी तंग किया जा सकता है। दूसरा जी ने सही कहा कि वो कहां से हिसाब किताब बनाएंगे। जिस व्यक्ति को काम करने के लिए पंखा लगाने की इजाजत नहीं है और हाथ का काम करके वो बारीकी से। अम्बाला से जाट टीवी न्यूज के लिए कृष्ण बाली की रिपोर्ट।